नमस्कार, मेलबर्न से आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूँ राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे रणयुद्ध में भारतीय टीम के सफर के बारे में और खास तौर से जिस तरह से पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को हराया उसके बाद ग्रुप बी में क्या कुछ समीकरण बन रहा है उस पर बातचीत करेंगे और भारतीय टीम के लिए जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबला जीतना अब कितना जरूरी हो गया है, यानी डू एंड डाई सिचुएशन एक बार फिर भारतीय टीम के लिए, क्योंकि अगर ये मैच भारतीय टीम हारती है तो फिर नेट रन रेट पे मामला चला जाएगा और पाकिस्तान के लिए अभी भी रास्ते खुले हैं ऐसा लग रहा है। जिस तरह से उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को हराया और बड़े मार्जिन से हराया उससे उनका न सिर्फ नेट रन रेट सुधरा है बल्कि उनके लिए एक उम्मीद की किरण भी यहाँ पर जग गई है। वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड ने आयरलैंड को हराकर एक बार फिर टॉप पर अपनी जगह बना ली है और अगर भारतीय टीम टॉप पर पहुंचती है जिम्बाब्वे को हराकर तो फिर वो न्यूजीलैंड से मुकाबला नहीं खेलेंगे, ये बात तो लगभग अब तय नजर आ रही है। वहीं ऑस्ट्रेलिया को आज अपना मुकाबला खेलना है ग्रुप ए में और साथ ही इंग्लैंड अपना मुकाबला खेलेगी कल, और इसके बाद ये डिसाइड होगा कि ग्रुप ए में टॉप दो टीमें कौन सी हैं और उसके बाद संडे को जब भारत और जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबला होगा मेलबर्न के मैदान पर तब ये तय होगा कि ग्रुप बी से कौन सी दो टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। बहरहाल क्योंकि पाकिस्तान की जीत के बाद एक समीकरण जो बन रहा था कि हिंदुस्तान बहुत आराम से क्वालिफाई कर जाएगा, लेकिन अब शायद ऐसा नजर नहीं आ रहा है। दक्षिण अफ्रीका मुकाबला हार गई और दक्षिण अफ्रीका इस समय लग रहा था टॉप करेगी, लेकिन वो अब नीचे की तरफ आ गए हैं। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ रितेंद्र सिंह सोढ़ी पूर्व क्रिकेटर चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं और राजकुमार शर्मा जी दिल्ली से इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेंद्र, पाकिस्तान ने तो बिल्कुल धमाका सा कर दिया और उनके बारे में जो कहा जाता है अनप्रेडिक्टेबल टीम है, उन्होंने ना सिर्फ मैच जीता बल्कि हिंदुस्तान का सिंहासन भी अब संडे तक के लिए तो हिला ही दिया है कम से कम, क्योंकि आपके लिए अब जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच डू एंड डाई सिचुएशन वाला हो गया है। जी हाँ राजीव, बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेला और साउथ अफ्रीका को पस्त किया और ऐसा लग रहा था शायद पाकिस्तान बड़े तरीके से स्ट्रगल कर रहा है और जैसे आपने कहा कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल टीम है, कैसे खेलती है किस दिन आप बिल्कुल आंक नहीं सकते हैं। किसी दिन इनकी क्रिकेट बहुत बेहतर लगती है, किसी दिन स्ट्रगल करते नजर आते हैं। लेकिन जी हाँ, जैसे आप समीकरण की बात कर रहे हैं, भारत जहां अभी सोच रहा था कि शायद सेमीफाइनल बिल्कुल पक्का है, अब थोड़ा सा देखिए जद्दोजहद करनी होगी। और वो रजीव, वैसे भी अगर आप जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल रहे हैं, अगर आप क्वालिफाई कर भी चुके होते तब भी आपको जीतना है, आपको मनोबल हासिल करना है, अपना मोमेंटम नहीं खोना है। और देखिए, जिम्बाब्वे के साथ आपका गेम इतना बड़ा नहीं है, हम पोटेंशियल में बहुत आगे हैं, मीलों आगे बड़ा तो है जिम्बाब्वे के खिलाफ। रितेंद्र, पाकिस्तान को उन्होंने हराया है मैच में, तो वो उलटफेर कर सकते हैं, ये वर्ल्ड कप में हम देख चुके हैं। देखिए रजीव, पाकिस्तान को हराया है लेकिन भारत जिस फॉर्म में नजर आ रहा है, जिस पोटेंशियल पे खेल रहा है, जिस तरह हमारी बॉलिंग बकमाल हिट हो रही है, अर्शदीप की बात करें, जैसे हमने डिफेंड किया है, अभी बहुत क्लोज एक गेम हुआ है, तो मनोबल भारतीय टीम का ऊपर है। और जैसे आपने कहा, अपसेट तो कोई भी टीम कर सकती है, ये तो हम सब जानते हैं, तो आपको अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलनी होगी और मुझे पूरा भरोसा है कि हम जिम्बाब्वे को पस्त करेंगे और सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। रितेंद्र, राजकुमार सर से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं पहले, उसके बाद चाय का जरा सिप ले लें तब तक। राजकुमार सर, मैं इस समय मेलबर्न में उस जगह पे खड़ा हूँ जो मेलबर्न शहर की पहचान है, यानी स्काई डेक टावर जो सबसे ऊंचे टावर्स में है वर्ल्ड, अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो मेरे ठीक पीछे आप स्काई डेक टावर का जो नाम है वो आप पढ़ भी सकते हैं। अब भारतीय टीम को इस वर्ल्ड कप में स्काई डेक टावर जैसी ऊंचाई छूनी है तो एक तो फाइनल और उससे ठीक पहले सेमीफाइनल जीतना है और उससे ठीक पहले अब एक ऐसी सर्कमस्टेंसेस बन गए कि अब हर हाल में आपको जीतना है, तो बारिश ना खलल डाले और ये अच्छी खबर है मेलबर्न में कि मौसम धीरे धीरे यहाँ पे ठीक हो रहा है, और दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर कि अब आपको जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच डू एंड डाई सिचुएशन वाला कर दिया है पाकिस्तान ने मैच जीतकर। बिल्कुल राजीव, भारत भी उतनी ही ऊंचाइयां छुएगा जितना आपके पीछे टावर नजर आ रहा है और बड़ा शानदार टावर है ये, बहुत ही शानदार जगह है और आप भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं मेलबर्न को, ऑस्ट्रेलिया को, और इसी तरह भारत को मैच जिताते रहिए और भारत को आगे बढ़ाते रहिए। क्रिकेट की जहां तक बात करें राजीव, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्रूशियल मैच है जिम्बाब्वे से, लेकिन एक अच्छी बात है कि भारत को अब मालूम है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, भारत बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेगा इस मैच को, वरना अक्सर होता है कि आप कई बार थोड़ी सी हल्की टीम को देखकर आप थोड़े से कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं कि हाँ। ये तो बहुत नीचे की टीम है, क्वालिफाई करके आई है और हम लोग वर्ल्ड नंबर वन या वर्ल्ड नंबर टू हैं, तो हम तो बहुत बड़ी टीम है या हमारे पास इतने बैट्समैन है, या बाद वालों को लगता है कि शुरू वाले को लगता है कि बाद वाले बना लेंगे, और कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहां से
ये मतलब मैच निकल जाता है हाथ से, लेकिन हाँ अब क्योंकि भारत जानता है इस मैच की इम्पोर्टेंस, तो बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेंगे भारतीय खिलाड़ी, और टीम मैनेजमेंट पूरा ध्यान रखेगी इस बात को कि भारत का नेट रन रेट भी ठीक रहे, और जीतते ही तो हम टॉप भी कर जाएंगे राजीव, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है भारत के लिए ये मैच जीतना। और मुझे पूरी आशा है कि जैसा अभी रतेंद्र ने भी कहा कि अगर हम अपने पोटेंशियल पर खेलते हैं तो भारतीय टीम बहुत ऊपर है जिम्बाब्वे से, बस थोड़ी सी कॉम्प्लेसेंट नहीं हो या गॉड फॉरबिड कोई खराब दिन नहीं हो भारत के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा मुश्किल होगी भारत के लिए ये मैच जीतना और सेमीफाइनल में पहुंचना, क्योंकि जिम्बाब्वे एक बार फिर कर चुकी है राजकुमार सर, तो इस बात का तो इस वर्ल्ड कप में ही उन्होंने पाकिस्तान को हराया, और पाकिस्तान शायद बहुत इस समय कोस रहा होगा अपने आप को कि काश उन्होंने वो मैच जीता होता तो आज वो क्वालिफाई करने की स्थिति में होते और शायद भारतीय टीम के लिए एक बड़ी चिंता का सबब हो जाता। कैसे आप देख रहे हैं अब पाकिस्तान को बांग्लादेश से खेलना है, उनको ये पता है कि जीत के भी शायद वो क्वालिफाई ना कर पाए क्योंकि जब तक भारत नहीं हारेगा, और दक्षिण अफ्रीका को नेदरलैंड से खेलना है, जब तक दक्षिण अफ्रीका नहीं हारेगा पाकिस्तान के लिए चांसेस है नहीं, तो ये एक अजीब सी स्थिति, और ये मामला इस वर्ल्ड कप में दोनों ही पूल में है, उधर इंग्लैंड न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड ने क्वालिफाई कर लिया, ये एकदम क्लियर हो गया आयरलैंड के खिलाफ मुकाबला जीतकर, लेकिन अभी भी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड फंसी हुई है वहां पर, ठीक वैसे ही स्थिति अब दक्षिण अफ्रीका भारत और पाकिस्तान के बीच में हो गई है। बिल्कुल राजीव, अच्छी बात है, ये इंटरेस्टिंग वर्ल्ड कप हो रहा है जहां पर कि लास्ट मिनट तक ये नहीं मालूम है कि सेमीफाइनल में कौन कौन सी टीमें क्वालिफाई करेंगी, इस स्टेज तक आने के बाद भी सिर्फ न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जो क्वालिफाई करी है, तो यहाँ ये मुकाबले बहुत इंटरेस्टिंग हो रहे हैं, और T20 का यही रोमांच है कि इसमें कब कौन सी टीम किसको अपसेट कर दे वो नहीं मालूम होता, और भारत के लिए अच्छी बात है कि भारत का आखिरी मुकाबला इतना मुश्किल नहीं है, और भारत वहां पर अपनी पोटेंशियल पर खेल के मैच जीतेगा तो मतलब भारत आसानी से क्वालिफाई कर जाएगा, बस यही है कि बारिश नहीं हो और भारत का खराब दिन नहीं होना चाहिए, और अदरवाइज देखें तो कोई मतलब मुझे लगता है कि ये 70-30 का मुकाबला होगा भारत के पक्ष में, क्योंकि भारतीय टीम बहुत स्ट्रांग है, अच्छा मोमेंटम मिला हुआ है भारतीय टीम को, जिस तरह से उन्होंने मैचेस जीते हैं तो एक मनोबल काफी ऊपर है भारत का, और अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड से भारत क्रिकेट खेल रहा है, सभी अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ज्यादा मुश्किलें होनी नहीं चाहिए जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत को ये मैच जीतकर क्वालिफाई करने में। रितिंदर आप कैसे देख रहे हैं दोनों पूल पर अगर नजर डाले, कल भी हमने चर्चा की थी कि भारत किससे खेले तो ज्यादा फायदा होगा, लेकिन अभी डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है कि हमारी चार टीमें कौन सी जा रही है इस वर्ल्ड कप में, टीमें ज्यादा अच्छा खेली है या मौसम ने जिस तरह खलर डाला है मैचेस में उसकी वजह से ये खिचड़ी सी पक गई है दोनों पूल में। देखिए राजीव, मुझे लगता है दोनों चीजें यहाँ पे मैं बयान करनी होंगी, क्योंकि मौसम ने तो अलग डाला ही है और नजर आई, अगर हम स्टेजेस ऑफ टूर्नामेंट की बात करते हैं, लेकिन अगर बात ऐसे खेली है तो जो टीमें आ रही खराब क्रिकेट भी खेली है, पाकिस्तान बड़ा एग्जाम्पल है, अगर जिम्बाब्वे के साथ जीते होते सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होती, लेकिन ऐसा नहीं है, दे आर डिपेंडिंग ऑन अदर टीम्स, और अगर भारतीय टीम की भी हम बात इन पैचेस क्रिकेट खेले हैं, कुछ मैच बहुत अच्छे जीते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कोई हारने की तो वो भी भारत के साथ सिलसिला चला है, अगर कन्विंसिंगली जीते रहते अभी तक क्वालिफाई किए होते, तो जिम्बाब्वे के साथ डू और डाई गेम है, अच्छी बात ये है कि आप जिम्बाब्वे के साथ खेल रहे हैं, अगर ये मैच बड़ा या पाकिस्तान होता और स्टेज ऐसी होती तो शायद दिल की धड़कने बहुत तेज हुई होती, लेकिन जी हाँ आपको जिम्बाब्वे को भी हराना है, पोटेंशियल हमारा बहुत बेहतर है, और अच्छी बात है कि हमारे सारे प्लेयर्स सबलाइन फॉर्म में नजर आ रहे हैं, अब ऐसा नहीं है कि ये विराट कोहली पे टीम निर्भर करते, रोहित शर्मा राहुल ने फॉर्म पकड़ ली है, बोलिंग बहुत शानदार हो रही है, फील्डिंग अच्छी हो रही है, तो जिम्बाब्वे के लिए बहुत मुश्किल है, दे हैव टू हैव अ वेरी गुड डे और देन दे हैव टू प्ले आउट ऑफ द स्किन, तो एक मिरेकल होगा अगर जिम्बाब्वे यहाँ पे भारत को फाइट दे पाएगा, तो मुझे भारत की जीत नजर आ रही है, और सेमीफाइनल किसके साथ होता है अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है जो अगला कुछ दिन बताएंगे। और यहाँ पर राजकुमार सर नेट रन रेट कितना मायने रख रहा है, खासतौर से अगर हम पूल ए की बात करें जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आज मैच खेल रहा है अपना, वो मैच जीत भी जाते हैं तो नेट रन रेट उनका इतना खराब है कि उनको इंतजार करना पड़ेगा कि इंग्लैंड हार जाए उधर मैच, जो इंग्लैंड को अपना कल मैच खेलना है श्रीलंका के साथ, कैसे आप देख रहे हैं पोटेंशियली क्या इंग्लैंड न्यूजीलैंड इंग्लैंड भारत और दक्षिण अफ्रीका आपको सेमीफाइनल में नजर आ रहे हैं अभी?
बिल्कुल राजीव, अभी तक के इक्वेशन से तो यही लग रहा है कि इंडिया टॉप करेगा अपने पूल को और इंग्लैंड से सेमीफाइनल खेलेगा, और उधर न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका होगा अभी तक का जो चल रहा है उस हिसाब से। लेकिन अभी T20 क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान भी उम्मीद लगाए हुए है, उधर ऑस्ट्रेलिया भी भरपूर कोशिश करेगा, और ऑस्ट्रेलिया अपनी नेट रन रेट को सुधारने के लिए मतलब 100% ऑल आउट जाएंगे वो लोग। तो कुछ भी अभी हो सकता है, क्रिकेट में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे अभी देखना इंटरेस्टिंग है, अभी दो दिन के मुकाबलों के बाद ही पता लगेगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी यही लग रही है कि भारत का मुकाबला शायद इंग्लैंड से ही होगा सेमीफाइनल, और न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका से खेलेगा। रितेंद्र, अब क्योंकि जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच जो है एक दिन के बाद है, यानी शनिवार को प्रैक्टिस सेशन है भारत का और उसके बाद रविवार को मैच है, प्रैक्टिस सेशन में क्या वो तीन चीजें हैं जो आप सुधरते हुए देखना चाहेंगे जिम्बाब्वे मैच से पहले, क्योंकि उसके बाद तो आपके पास मौका नहीं होगा ना सुधरने का ना ही बिगड़ने का। जी हाँ राजीव, देखिए इम्पोर्टेंट मैच है जिम्बाब्वे के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं एक ड्रेस रिहर्सल भी है। अगर आप बात करें सेमीफाइनल की, तो भारत को अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलनी होगी, अपनी जो बेस्ट 11 है उसको खिलाना होगा। चांस तो आप ले ही नहीं सकते हैं क्योंकि सिचुएशन काफी फंस गई है। अगर हम पाकिस्तान ने जिस तरह साउथ अफ्रीका को हराया है तो भारत बिल्कुल भी चांस नहीं लेगा। और मुझे पूरा भरोसा है यहाँ पे राजीव, जो आपने कल कांटा छुरी लेके बैठे थे और जो आपने पॉइंट्स को एलैबोरेट किया है, पहले 6 ओवर दैट इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। वो पहले 6 ओवर आपको रन बनाने होंगे। अगर आप वहां पे धावा बोलते हैं, रोहित शर्मा केएल राहुल की पार्टनरशिप होती है, तो आपके पास बड़ी फायर पावर है मिडिल ऑर्डर में। हार्दिक पांड्या की बात करें आप, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, दे कैन जस्ट कम एंड एक्सप्लोड, और वहां से हम 230 रन भी बना सकते हैं। लेकिन हमें सलामी साझेदारी चाहिए जो अभी तक नहीं आई है। और अगर हम बात करते जी आखिरी ओवर्स जिस तरह हम खेल रहे हैं, वहां पे भी कहीं ज्यादा रन हम बना सकते हैं अगर लास्ट ओवर्स की बात करें, क्योंकि लास्ट ओवर्स की बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन बल्लेबाजी में अगेन एक्सेलरेट, तो ये कुछ पॉइंट ऑफ कंसर्न होंगे भारत के लिए। राजकुमार सर, एक तो जो प्रैक्टिस सेशन है, आपको लग रहा है क्योंकि अब ये लीग मैच का आखिरी प्रैक्टिस सेशन है, ये ऑप्शनल नहीं होना चाहिए, कंपलसरी कर देना चाहिए टीम मैनेजमेंट की तरफ से, ताकि कोई भी कॉम्प्लेसेंट, कोई भी जो बॉक्स है वो अधूरा ना रह जाए, हर बॉक्स को आप टिक कर पाए प्रैक्टिस सेशन में। डेफिनेटली ऐसा ही होगा राजीव, इस ये प्रैक्टिस सेशन इतना इम्पोर्टेंट है, सभी प्लेयर्स भी जानते हैं और प्लेयर्स भी चाहते हैं कि वो ग्राउंड में जाके प्रैक्टिस करें और तैयारी करें। वो ऐसा होता है जब आप बहुत ज्यादा ट्रेवल कर रहे हैं और आपको लगातार मैच खेल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको पूरा समय मिल रहा है रिलैक्स करने का। तो सभी प्लेयर्स भी चाहेंगे कि बल्लेबाज चाहेंगे कि वो थोड़ा सा बैट से बॉल लगा के देखें, थोड़ा सा फील करें, वो इम्पोर्टेंट होगा उनके लिए। कुछ बल्लेबाजों की आदत होती है कि वो मैच से पहले दिन नेट्स नहीं करते हैं, थ्रो डाउन लेते हैं, कुछ नॉकिंग करते हैं, तो वो हर एक का अपना प्रिपरेशन करने का अपना तरीका होता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई आप किसी को होटल में छोड़ के जाए या कोई बोले कि मैं प्रैक्टिस पर नहीं जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत क्रूशल मैच है और टीम मैनेजमेंट भी उसको अलाउ नहीं करेगी, ना ही कोई प्लेयर भी चाहेगा रेस्ट करना, क्योंकि सभी जानते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है एज ए टीम प्रैक्टिस करना और इस पर्टिकुलर मैच के लिए प्रिपेयर करना। राजकुमार सर, आपसे एक रिएक्शन और लू से पहले, रितेंद्र एक सवाल मेरे ध्यान में आ रहा है, आपको आपको क्या लग रहा है जिम्बाब्वे के वो कौन से खिलाड़ी हैं जिनसे बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, खासतौर से ये इंडियन ओरिजिन के सिकंदर रजा एक डेंजरस खिलाड़ी है, इसके अलावा और कौन से खिलाड़ी आप देख पा रहे हैं जो बहुत ही क्रूशल हो सकते हैं जिम्बाब्वे के लिए? देखिए राजीव, यहाँ पे अगर आप बात करें सिंगल आउट करने की, तो सिकंदर राजा आपने खुद ही नाम लिया है, वो एक मैच विनर है, अल्टीमेट मैच विनर है, और उनके पास वो मादा है कि वो मैच को अपने दम पे बदल सकते हैं, जो हमने पाकिस्तान के खिलाफ देखा। और जिम्बाब्वे टीम राजीव, जब हमारे समय की टीम थी और जो अब की टीम है, बहुत फर्क है। दे डोंट हैव दैट आर्सेनल, लेकिन जो जीत हासिल की है पाकिस्तान के खिलाफ, उससे इम्पेटस इनको मिल गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग क्रम की हम बात करें जिम्बाब्वे की, वहां पे दे हैव इट इन देम, लेकिन भारत के खिलाफ, भारतीय बॉलिंग के खिलाफ, जो शायद पाकिस्तान से बेहतर है, वो अभी तक बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहे, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं इस प्रैक्टिस सेशन में, क्या कुछ बॉलिंग कोच बात करते नजर आ रहे हैं अश्विन अक्षर से या राहुल द्रविड़, क्या कुछ डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि मेलबर्न तो आइडियल जगह है जहाँ पे आप
खुलकर गेंदबाजी कर सकते हैं। ये जो खुलकर गेंदबाजी वर्ड है, आपको लग रहा है अभी तक इस वर्ल्ड कप में की नहीं है भारतीय स्पिनर्स ने, आपने भी ये महसूस किया है? डेफिनेटली थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रही है बोलिंग स्पिनर्स की हमारे, और बेटर उनसे उम्मीद थी कि मिडल ऑर्डर में थोड़ा मतलब बीच के ओवर्स में थोड़ा विकेट लेके देंगे या थोड़े इकोनॉमिकल रहेंगे, ऐसा हुआ नहीं है। और राजीव, अगर जिम्बाब्वे की टीम में अगर ज्यादा राइट हैंडर्स हैं तो कल आप हो सकता है कि मतलब आने वाले मैच में हो सकता है कि हम चहल को खेलता हुए देखें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जिम्बाब्वे के प्लेयर्स लेग स्पिनर को इतना अच्छा खेलते हैं, और चहल बीइंग विकेट टेकर तो वो एक अटैकिंग ऑप्शन भारत अपना सकता है जिम्बाब्वे के खिलाफ, क्योंकि लेग स्पिनर और बड़ा ग्राउंड और जिम्बाब्वे सामने, तो मुझे लगता है कि चहल को भी मौका दिया जा सकता है अश्विन की जगह, अगर टीम मैनेजमेंट को लगता है कि लेफ्ट हैंडर्स कम है उस टीम में तो। जी, और अगर हम रितेंद्र, जैसे कि बार बार इस पूरे वर्ल्ड कप में चर्चा चल रही, दिनेश कार्तिक को हम ले आए थे एज अ फिनिशर, बड़ी कमजोर कड़ी वो साबित हुए अभी तक, क्योंकि ना तो हम स्टार्ट अच्छा कर पाए किसी भी मैच में, ना फिनिश अच्छा कर पाए। जो कंसिस्टेंट रहे हैं वो सिर्फ विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव, जो एक मोमेंटम बार बार दे रहे हैं भारतीय टीम को। कैसे आप देख रहे हैं ये फिनिशिंग टच कैसे दिया जाएगा, प्रैक्टिस सेशन में कुछ क्या खास कर सकती है भारतीय टीम? राजीव, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए अभी आप ज्यादा चेंजेस कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे अभी राजकुमार जी कह रहे हैं, उनका अच्छा पॉइंट है, चहल को अगर खिलाया जाए, राइट हैंडर जिम्बाब्वे के पास काफी हैं, तो वहां पे चहल अपना लोहा मनवा सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये मैच में अब चेंजेस ज्यादा आप देखेंगे नहीं, ये वही 11 खिलाड़ी जो सेमीफाइनल में खेलेगी, क्योंकि अब आपको सेमीफाइनल नजर आ रहा है, आपका एक यहाँ पे माइलस्टोन जरूर है, आपने उसको पार करना है जिम्बाब्वे को हरा के, और फिर आप सेमीफाइनल में जाएंगे, दिन ज्यादा नहीं है, तो यहाँ आपकी सक्षम 11 खेलेगी। और आपने सही कहा, दिनेश कार्तिक का एक ऐसे प्लेयर है जो अब वीक लिंक नजर आ रहे हैं, क्या उनके साथ अब फेरबदल किया जाएगा? दैट इज अगेन अनलाइकली, तो आपको कार्तिक के साथ ही जाना होगा, वो सारे मैचेस खेलते आ रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट प्रैक्टिस में अब कार्तिक को जरूर एक लंबा सेशन दिया गया होगा, पेप टॉक दी गई होगी विक्रम राठौर के द्वारा, राहुल द्राविड़ के द्वारा, क्योंकि दिनेश कार्तिक जिस मौके पे आते हैं वहां पे मेक और ब्रेक की सिचुएशन होती है, वहां पे मैच बदल सकते हैं दिनेश कार्तिक अपनी बल्लेबाजी से, उन्होंने किया है ये तमाम साल, इसीलिए वो हिस्सा है इस टीम का। तो हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि दिनेश कार्तिक जिम्बाब्वे के खिलाफ, सबसे पहले तो राजीव दिनेश कार्तिक की बैटिंग ना आए जिम्बाब्वे के खिलाफ, अगर बैटिंग आ जाती है तो थोड़ी चिंता वहां नजर आएगी, बट वी ऑल होप दैट ही विल स्ट्राइक फॉर्म वेरी अर्ली। चलिए अब चलते चलते एक एक प्रेडिक्शन रितेंद्र आपसे और राजकुमार सर से, राजकुमार सर आपसे शुरुआत कर लेते हैं। भारत को का पूल टॉप करता है तो वो इंग्लैंड से खेलेगा और न्यूजीलैंड खेलेगा दक्षिण अफ्रीका से, सहमत हैं आप इस बात से जो अभी हम इंडिया न्यूज पे ये लाइनअप बता रहे हैं सेमीफाइनल का? बिल्कुल राजीव, मुझे भी यही लग रहा है कि ऐसा ही होने वाला है और ऐसा ही होना भी चाहिए, और क्योंकि भारत अपने पोटेंशियल पर खेलेगा। मैंने प्रेडिक्शन इसलिए मांगा राजकुमार सर कि मैं कोई उलटफेर नहीं देख रहा हूं यहां पे, मींस ना श्रीलंका इंग्लैंड को हरा पाएगी और ना जिम्बाब्वे भारत को। बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज की कोई उम्मीद नहीं है, ना ही पॉसिबिलिटी, मतलब पॉसिबिलिटी तो खैर नहीं मना कर सकते आप, लेकिन हाँ बिल्कुल उम्मीद नहीं है ऐसा होगा। भारत शानदार क्रिकेट खेल रहा है और जिम्बाब्वे को हरा के पूल को टॉप करेगा और फिर इंग्लैंड से सेमीफाइनल में भिड़ेगा। चलिए, तो राजकुमार सर का प्रेडिक्शन है, रितेंद्र आप भी अपना प्रेडिक्शन कर दें एक बार। जी, मुझे पूरी तरह लग रहा है जो समीकरण अभी बन रहा है, कोई बड़ा अपसेट नजर नहीं आ रहा है, भारत आराम से जिम्बाब्वे को हराएगा, टॉप करेगा पूल को और इंग्लैंड के खिलाफ ऑल इम्पोर्टेंट सेमीफाइनल खेलेगा, लेकिन वो राजीव बहुत बड़ा गेम होगा, दैट वुड बी अल्टीमेट गेम जहां पे भारत कहीं भी गलती नहीं कर सकता, दे हैव टू प्ले टू देयर बेस्ट, देयर फायर पावर हैज टू एक्सेल। तो हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि इंग्लैंड को हम सेमीफाइनल में हराएंगे, फाइनल खेलेंगे, लेकिन अभी फिर राजीव, क्रिकेट इज द गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेंटीज, पहला स्टेप है जिम्बाब्वे को हराना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र सिंह चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ने के लिए, और राजकुमार सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल विराट का जन्मदिन भी है तो हम सब ये कोशिश करेंगे कि आपकी जो विशेष है उन तक पहुंचा दें, बहरहाल आप डायरेक्टली उनसे बात कर ही लेंगे और विशेष उनको दे देंगे, और उम्मीद कर रहे हैं कि बर्थडे पार्टी के बाद। बिल्कुल राजीव, आज हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, आज एकेडमी में सेलिब्रेशन भी है उनके
बर्थडे का। अरे वाह, तो मैं चाहूंगा आप फुटेज जरूर दें ताकि हम वो फुटेज फुटेज स्टार स्पोर्ट्स भी कवर कर रहा है उसको, तो आपको फुटेज ड्यूरिंग द मैच भी नजर आएगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर आपका और रविंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तो संदीप के साथ कि जिस जगह से मैं खड़ा होकर ये शो कर रहा हूँ यानी शायद एक मेलबर्न की पहचान है, यहाँ की ऊंची ऊंची इमारतें मेलबर्न की पहचान है, कुछ इसी तरह की ऊंचाइयों को भारतीय टीम भी छुए। जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच टीम हल्की जरूर है लेकिन आपके इरादे बुलंद होने चाहिए तभी आप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। और जैसा कि राहुल द्रविड़ ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि चार मैच बचे हैं आपको ट्रॉफी तक पहुंचने के लिए, तो एक मैच तो निकल गया, अब तीन मैच है और तीनों मैच अगर आप जीतते हैं तो फिर ट्रॉफी आपके हाथ से बहुत दूर नहीं रह जाएगी। तो चलिए हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।